ये शहर किसी मसनूई क़यादत को कभी मंजूर नहीं करेगा। 39 ईयर्स कल मुकम्मल होने वाले हैं और ये बहुत कुछ होता है। अहलियान कराची, कल आइए हम मिलकर पाकिस्तान के मुस्तकबिल का नक्शा खींचते हैं। यही चल रहा है तो पाकिस्तान पल रहा है। इस शहर कराची की पाकिस्तान में अहमियत को सामने रखते हुए ये समझते हैं कि अगर कराची को, जो कराची की डायनेमिक्स समझते हैं, मिजाज समझते हैं, उसका तारीखी पस मंज़र समझते हैं, उनके नफ्सियाती रद्दअमल को जानते हैं, वो जानते हैं कि ये शहर किसी मसनूई क़यादत को कभी मंजूर नहीं करेगा। ये शहर जागीरदाराना मिजाज को कभी तस्लीम नहीं करेगा। पेशावर सियासत इस शहर का मिजाज नहीं रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह इस शहर के वारिस, जिन्होंने अपनी पूरी जवानियां इस शहर पर कुर्बान की और लगाई हैं, आज मिलकर फिर ये समझते हैं कि पाकिस्तान को बचाने के लिए इस शहर का बचना बहुत ज़रूरी है। ये शहर तरक्की करेगा अगर ये शहर को पाकिस्तान अपने साथ लेके चले, तो उसको किसी भी गैर मुल्की मदद की ज़रूरत नहीं है। आप इस शहर को तो जीने दें, फिर देखिए कि किस तरह पाकिस्तान को उसकी असल मकसद और मंजिल तक लेके जाएगा। इस शहर पर कब्ज़ा करने और जबरन हुक्मरानी करने के बजाय इस शहर के लोगों को की हक़े हुक्मरानी को तस्लीम किया जाए, उनके वजूद को और शनाख्त को तस्लीम किया जाए, इस शहर को इख्तियार देंगे तो एक बावकार पाकिस्तान बनेगा, इस शहर को इख्तियार देंगे तो एक खुद मुख्तार पाकिस्तान बनेगा, इस शहर को इख्तियार देंगे तो एक खुद कफील पाकिस्तान बनेगा, एक ऐसा पाकिस्तान जो अक्वाम आलम में सर उठा के चल सके, इस्लामी उम्मा की कयादत करता हुआ पाकिस्तान। टाइम्स ऑफ कराची से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने और बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तो हम दोबारा पाकिस्तान की तामीर और तरक्की, उसके इस्तेहकाम, उसकी खुशहाली के खातिर इस शहर को दोबारा पुकार रहे हैं कि अहलियान कराची, आप से एक बार फिर गुजारिश है, आप अपने अजदाद की रिवायात को की दोबारा पासबानी करते हुए कल आइए हम मिलकर पाकिस्तान के मुस्तकबिल का नक्शा खींचते हैं। और यही शहर है जो पाकिस्तान का पहला असली हकीकी और नज़रियाती दारुल हुकूमत रहा है, और यहाँ से हुकूमत ले जाने के बावजूद, हुकूमत का मरकज़ ले जाने के बावजूद, आज भी इख्तसादी माशी सनती तिजारती मरकज़ यही है। यही चल रहा है तो पाकिस्तान पल रहा है, और पाकिस्तान को चलाने पालने आगे बढ़ाने उसका इस्तेहकाम, उसकी सिक्योरिटी, उसकी जिम्मेदारी हम समझते हैं कि हमने लिया और हम इंशाअल्लाह ताला उसको पूरी करेंगे। 39 ईयर्स कल मुकम्मल होने वाले हैं और ये बहुत कुछ होता है। हमारी एक ख्वाहिश और भी है कि इसी शहर से हमसे ज़्यादा नौजवान लोग, हम अपनी ज़िंदगियों की उम्र गुजार चुके हैं, नौजवान नस्ल को सीबी अपील करते हैं और दावत देते हैं इस जद्दोजहद में शरीक को, ताकि कल इस जद्दोजहद को हम आपके हाथों में सुपुर्द करें। ये जद्दोजहद जारी रहेगी।